हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 NMTC के लेवल का ज्योमेट्री का क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल B। इफ एंगल A इज इक्वल टू 2/3 एंगल B एंड एंगल B इज इक्वल टू 3 एंगल C, देन एंगल BDC इज इक्वल टू। तो हमारे पास ये फिगर है जिसमें ये सारे जो जो चीज़ दिया हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, बस ये वैल्यूज़ को हमें डालना है। तो ये ट्रायंगल है ABC जिसमें BD जो है वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को। एंगल A हम लोग को गिवन है 2/3 ऑफ एंगल B, फिर एंगल B दिया हुआ है 3 एंगल C। तो इससे हम लोग एंगल C को B के टर्म में लिख सकते हैं। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B बाई 3। और जो एंगल A के लिए दिया हुआ है उसे भी हम लोग, वो ऑलरेडी B के टर्म में है, तब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A है 2/3 ऑफ एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C है एंगल B/3 इक्वल टू 180। नेक्स्ट इसका LCM लेंगे, सो LCM आएगा 3। तो 2/3 ऑफ एंगल B, तो 2 एंगल B प्लस यहाँ 1 है तो इंटू 3 करेंगे, 3 एंगल B प्लस यहाँ ऑलरेडी 3 है तो एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, सो 6 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 इंटू 3 बाई 6। सो 3 1 3 2 90। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड करना है एंगल D, ये वाला, तो ये एंगल है D। एंगल B पता है हमें, एंगल B है 90 और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 45। फिर एंगल C निकालना है, तो एंगल B है 90, एंगल C है एंगल B/3, सो 90/3 30 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75, एक्स इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0 1, सो वो एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।